हेलो बच्चों, रिंगों में फॉर्मूला बहुत है, फिर फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, सारा फॉर्मूला रिवाइज करना पड़ेगा, रोज नए फॉर्मूला, फॉर्मूला पे फॉर्मूला, टेंशन, अरे काई की टेंशन, अरे काई की टेंशन, रिंगों से घबराने का नहीं। अगर 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 सब कुछ मिल जाए जिंदगी में तो तमन्ना किसकी करोगे, अधूरी ख्वाहिशें ही जिंदगी जीने का मजा देती हैं, अधूरी ख्वाहिशें ही जिंदगी जीने का मजा देती है, ये बात समझिए ना भैया। अधूरे सवाल ही सवाल करने का, मैच करने का मजा देते हैं, सवाल सारे पूरे हो जाएंगे तो मैच में मजा कैसे आएगा, अधूरे सवाल ही सवाल करने का मजा देते हैं, अधूरी ख्वाहिशें ही जिंदगी जीने का मजा देती हैं, टेंशन लेने का नहीं, देने का घबराने का नहीं, फॉर्मूला भूल जाने का नहीं, ट्रिगो एकदम फन्नाट बना देने का। आज का लेक्चर बड़ा मस्त लेक्चर है, अलग लेक्चर है ट्रिगो का, यूनिक लेक्चर है, एकदम मस्त। हम आज ट्रिगोनोमेट्री में मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू की बात करने वाले हैं, हम आज ट्रिगोनोमेट्री में मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू की बात करने वाले हैं। तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब एकदम अच्छे होंगे और मैं भी हूं एकदम फन्नाट। तो चलिए आज के लेक्चर को शुरुआत करते हैं मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। आज का टॉपिक एकदम क्लियर होना चाहिए, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शंस, मैक्सिमम एंड मिनिमम, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे निकाले जाए, ये बात हम सीखने वाले हैं। क्या सीखने वाले हैं? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज कैसे निकाले जाएं। कई प्रकार की ट्रिगोनोमेट्रिक एक्सप्रेशंस होती हैं, अबे ध्यान से सुन लो, ध्यान से देख लो इधर, कई प्रकार की ट्रिगोनोमेट्रिक एक्सप्रेशंस होती हैं, अलग अलग तरीके से अलग अलग एक्सप्रेशन को डील किया जाता है जब हम बात करते हैं मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज निकालने की। तो कई टाइप की एक्सप्रेशंस होती हैं, टाइप वाइज हम डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले टाइप नंबर 1 की एक्सप्रेशंस लेकर के चलेंगे, बिल्कुल फंडामेंटल टाइप लेकर के चलेंगे। इस टाइप में हम देखेंगे कि मैं कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशंस दूंगा और आपसे पूछूंगा कि आप उन ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशंस की मिनिमम वैल्यू बताइए और मैक्सिमम वैल्यू बताइए। जैसे मैं आपको बोल दूं कि मुझको गिवन है y is equal to sin square x plus 2, आप मुझे y की रेंज बता दें, y की मिनिमम वैल्यू बता दें और y की मैक्सिमम वैल्यू बता दें। बताएंगे अभी, सबसे पहले ये बात जान लेना भी बहुत ज़रूरी है, कि जो मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू हम सीखने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, उसको सीखने से पहले हमको हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेंज मालूम होनी चाहिए, हमको साइन एक्स की रेंज मालूम होनी चाहिए, कोस एक्स की रेंज मालूम होनी चाहिए, हमको टेन एक्स की रेंज मालूम होनी चाहिए, हमको कोट एक्स की रेंज मालूम होनी चाहिए, हमको सीकेंट एक्स और कोसिकेंट एक्स की रेंज भी मालूम होनी चाहिए। अगर अपने को इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की रेंज मालूम है, उसका प्रयोग करते हुए हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो एक्सप्रेशंस देने वाला हूं उनकी रेंज निकाल देंगे, और वो भी एकदम भन्नाट तरीके से। तो हमारा जो सबसे पहला फंक्शन है साइन एक्स, इसकी रेंज मुझे लगता है आप सब लोग जानते होंगे, क्लोज्ड -1 से 1 होती है। कोस एक्स फंक्शन की जो रेंज होती है वो भी क्लोज्ड -1 से 1 होती है। टेन एक्स फंक्शन की जो रेंज होती है वो होती है ऑल रियल नंबर, सारे रियल नंबर्स हो सकते हैं टेन एक्स की रेंज में, टेन एक्स के जो आउटपुट्स हैं कोई भी रियल नंबर आ सकता है, टेन एक्स की रेंज ऑल रियल नंबर्स होती है, कोट एक्स की रेंज ऑल रियल नंबर होती है। मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री के शुरुआती लेक्चर्स में ये सिखा चुका हूं कि
किस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेंज क्या होगी। secant x और cosecant x दो बड़े मस्त फंक्शन हैं। इनकी खास बात है कि इनका जो आउटपुट है वो कभी भी माइनस वन और वन के बीच में नहीं आ सकता। जी हां, ध्यान देने वाली बात है, secant x और cosecant x फंक्शंस ऐसे हैं, इन फंक्शंस का जो आउटपुट है वो माइनस वन से वन के बीच में कभी नहीं आता। इनकी जो रेंज होती है वो माइनस इंफिनिटी से माइनस वन यूनियन वन से इंफिनिटी होती है, माइनस इंफिनिटी से माइनस वन यूनियन वन से इंफिनिटी होती है। आई होप ये बातें आपको मालूम होंगी, मैंने इनिशियल लेक्चर्स में बताया है। अगर आपको नहीं मालूम, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, पहले इन छह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की रेंज आप एकदम भन्नाट कीजिए, उसके बाद ही आप इस सेशन को आगे देखें। और अगर आपको इन छह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की रेंज नहीं मालूम, तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन रेंज वाला जो लेक्चर है वो जरूर अटेंड करें, उसके बाद ही आप मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू वाला जो लेक्चर है इसको एंजॉय कर सकते हैं। और अगर आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की रेंज मालूम है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि हमको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की रेंज एकदम भन्नाट तरीके से याद है, ताकि मैं भी कॉन्फिडेंट हो जाऊं कि मेरे बच्चों को सब कुछ याद है। तो देखिए, साइन स्क्वायर एक्स प्लस टू, ये एक बेसिक सा फंक्शन है। मुझे बोला गया है आप इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बताइए, रेंज बताइए इसकी, ठीक है। तो ये जो मेथड है टाइप नंबर वन में हम करने वाले हैं भाई, स्टेप बाय स्टेप मेथड टू फाइंड रेंज। टाइप नंबर वन में मैं क्या सिखाऊंगा आपको, टाइप नंबर वन है स्टेप बाय स्टेप मेथड टू फाइंड रेंज के ऊपर, स्टेप बाय स्टेप मेथड टू फाइंड रेंज। इसमें स्टेप बाय स्टेप मेथड से हम रेंज निकालेंगे, मतलब हम एक बेसिक चीज को पकड़ लेंगे, उसकी रेंज मालूम होगी, उसके बाद उसको फिर मॉडिफाई करते जाएंगे और जो रिक्वायर्ड फंक्शन है उसकी रेंज निकाल लेंगे। आप सोच रहे होगे मैं क्या बोल रहा हूं, देखिए लिख के दिखा रहा हूं तुमको, ठीक है ना। हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स प्लस टू है, तो आप वो चीज पकड़िए जिसकी रेंज जानते हैं, इसके अंदर छुपी हुई आप वो चीज पकड़िए जो आप जानते हो। इसके अंदर छुपी हुई साइन एक्स वो चीज है जिसकी रेंज मैं जानता हूं। साइन एक्स की रेंज कितनी होती है, माइनस वन से वन, स्क्वायर कर दिया जाए तो साइन स्क्वायर एक्स की रेंज क्या हो जाएगी, साइन स्क्वायर एक्स की रेंज हो जाएगी जीरो से वन। जब आप माइनस वन से वन के बीच के जो नंबर्स हैं इंक्लूडिंग माइनस वन एंड वन, उनका जब आप स्क्वायर करते हो तो जीरो से वन आंसर आ जाता है, ठीक है। साइन स्क्वायर एक्स जीरो से वन होगा अगर साइन स्क्वायर एक्स में आप टू जोड़ते हैं, तो इसमें भी टू जुड़ जाएगा और इसमें भी टू जुड़ जाएगा, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस टू की रेंज हो जाएगी क्लोज्ड टू से थ्री। तो यहां पे वाई जो है वाई हो जाएगा क्लोज्ड टू से थ्री, y कितना हो जाएगा क्लोज्ड टू से थ्री, तो रेंज हो जाएगी टू से थ्री। स्टेप बाय स्टेप तरीका है, इसमें उस चीज को पकड़ लीजिए जिसकी रेंज आप जानते हैं, उसके बाद हलू 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 करते हुए आगे बढ़िए और आप जो है पूरे फंक्शन की रेंज निकाल सकते हैं, ठीक है जी। तो आगे देखते हैं, दूसरा सवाल देखते हैं। मुझको आप बताएं y इक्वल टू टू अपॉन साइन एक्स प्लस थ्री की रेंज, मुझको वाई इक्वल टू टू अपॉन साइन एक्स प्लस थ्री की रेंज बताएं। अभी बता देते हैं, पकड़ लीजिए साइन एक्स को। क्यों पकड़ लीजिए, मैं साइन एक्स की रेंज जानता हूं, स्टेप बाय स्टेप तरीके से रेंज निकालना बोलते हैं इसको। तो साइन एक्स की जो रेंज है वो मालूम है, साइन एक्स की रेंज क्या है, माइनस वन से वन है जी, साइन एक्स की रेंज है माइनस वन से वन। अगर अपन इसमें थ्री ऐड कर दें, अगर साइन एक्स में अपन 3 ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 2 से लेकर के 4। इसमें 3 ऐड करोगे तो इस ब्रैकेट की हर वैल्यू में 3 ऐड हो जाएगा। मेरी बात को ध्यान से समझें, अगर साइन एक्स में 3 ऐड करेंगे तो इस ब्रैकेट के अंदर हर वैल्यू में 3 ऐड हो जाएगा। इसमें 3 ऐड करके 2 आ गया, इसमें 3 ऐड करके 4 आ गया, तो साइन एक्स प्लस 3 की रेंज हो जाएगी 2/4। मुझे एक बात बताएं, अगर साइन एक्स प्लस 3 की रेंज 2 से 4 है तो भैया जी, अगर मैं रेसिप्रोकल कर दूंगा साइन एक्स प्लस 3 का तो उसकी रेंज कितनी आ जाएगी। अरे बात ध्यान से सुनने वाली है, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो इस ब्रैकेट में पाई जाने वाली हर वैल्यू का रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो 2 का रेसिप्रोकल 1/2 होता है, 4 का रेसिप्रोकल 1/4 होता है, और एक कहावत है
एक कहावत है, छोटे का रेसिप्रोकल बड़ा होता है और बड़े का रेसिप्रोकल छोटा होता है। वन बाय या देखिए टू छोटा है इसका रेसिप्रोकल बड़ा होगा, फोर बड़ा है इसका रेसिप्रोकल छोटा होगा। क्लियर है जी? तो वन अपॉन साइन एक्स प्लस थ्री की जो रेंज होगी वो हमको मिल गई, लेकिन मेरी जो रिक्वायरमेंट है वो टू अपॉन साइन एक्स प्लस थ्री है, टू अपॉन साइन एक्स प्लस थ्री। तो क्या करते हैं, इस पूरी मायावी चीज को टू से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको अगर अपन 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये जो ब्रैकेट है इसके अंदर सारी वैल्यू जितनी भी हैं 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 1 बाय 4 को 2 से करोगे तो 1 बाय 2 हो गया, और 1 बाय 2 को 2 से करोगे तो 1 हो गया, और एकदम मस्त तरीके से 2 अपॉन साइन एक्स प्लस 3 की भाई ने निकाल दी रेंज। कालीन भैया ने भी इसकी रेंज यही निकाली थी। कालीन भैया मुझसे मिले तो उन्होंने बताया कि इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप तरीके से कालीन भैया ने भी इसकी रेंज निकाल दी थी। कोई टेंशन नहीं, गुड्डू भैया ने भी रेंज निकाल दी थी, तुम भी निकाल लो भाई, सब कुछ निकाल रहे हैं, सारे लोग रेंज निकाल रहे हैं। तो यहां देखिए वाई जो है, वाई की रेंज आ गई है 1/2 से लेकर के 1। खटाक, क्लियर है एकदम? और बताइए मुझको, और मुझको बताइए, मैं आपसे पूछता हूं रेंज बताएं, y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2 secant स्क्वायर x प्लस 3 अपॉन secant स्क्वायर x प्लस 5, y इज इक्वल टू 2 secant स्क्वायर प्लस 3 अपॉन 2 secant स्क्वायर प्लस 5। आप इसकी रेंज निकाल के बताएं। तो निकाल देते हैं जी, इसमें क्या लंबी चौड़ी बात है। मैंने तुमको कई दिन पहले एक बात बताई थी कि ह्यूमन माइंड है ना, ये जो बुद्धि है ना, इस बुद्धि को दो वेरी होने वाली चीजें दे दी जाए ये बुद्धि हैंडल नहीं करती, कम कर पाती है। ऐसा नहीं है अपनी बुद्धि है हैंडल कर लेगी, भाई की बुद्धि तो हैंडल कर लेगी, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन इन जनरल बात कर रहा हूं। अपने को दो वेरी होने वाली चीजें अगर दे दी जाए तो हैंडल करना मुश्किल है। इसलिए जब दो वेरिएबल हो, दो वेरिएबल सवाल, दो वेरिएबल टर्म्स हो, एक सवाल में दो वेरिएबल टर्म्स हो, उनको अगर एक बना लें और उसके बाद रेंज की बात करें तो मजा आ जाता है। यहां पे दो वेरी होने वाली चीजें हैं, यहां पे दो वेरी होने वाले टर्म्स हैं। अगर तो हम इनको एक बना लेते हैं, हमारे सवाल में एक ही वेरी होने वाली टर्म बच जाती है, इसकी रेंज एकदम उड़ा देंगे, इसकी रेंज एकदम उड़ा देंगे। तो यहां पे जो दो वेरी होने वाले टर्म्स हैं, इनमें देखिए मैंने क्या किया, ऊपर क्या लिखा हुआ है, 2 secant square x, ये जो प्लस 3 है ना, ये जो प्लस 3 है ना, इसको मैं लिख दिया प्लस 10 माइनस 7। लिख सकते हैं क्या भाई? है, कुछ भी लिख सकता है, सही चीज लिखेगा, लेकिन ये जो 3 है ना, 3 को 10 माइनस 7 लिख दिया, क्योंकि 10 माइनस 7 अपना 3 होता है। डिनोमिनेटर देखिए, डिनोमिनेटर है secant square x plus 5, डिनोमिनेटर कितना है secant square x plus 5, ठीक है। आगे मैंने क्या किया, ये वाली चीजों को देखा, इसको देखते ही मुझे लगा 2 कॉमन लेना चाहिए, 2 secant square x plus 5, आगे है minus 7, minus 7 को छेड़ा नहीं, नीचे है secant square plus 5, दोनों के हिस्से का है, दोनों के नीचे लिख दिया भैया, दोनों के नीचे लिख दिया जी, करेक्ट है। यहां हो गया कैंसल, यहां हो गया कैंसल, ये हो गया 2, आगे है माइनस 7 अपॉन सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस 5। एक बात मेरी ध्यान रखना, ये दोनों चीजें बराबर हैं, दोनों चीजें बराबर हैं, लेकिन दोनों की शक्लें अलग अलग हैं, दोनों के जो लुक्स हैं, दोनों की लुक्स अलग अलग हैं, ठीक है ना। ये तो है अपना कौन है, ये तो अमिताभ बच्चन है, बूढ़ा हो गया एकदम, ठीक है, और ये शाहरुख खान है, ठीक है ना, ये शाहरुख खान है ना, इसकी रेंज निकाल सकते हैं अपन, है ना। ये चमकती हुई चीज है, क्यों? क्योंकि मैंने कहा कि अब देखिए इसमें दो चीजें वेरी हो रही थी, लेकिन इसमें जो है ना, इसमें एक ही चीज है वेरी होने वाली, और अपन एक चीज जब वेरी होने वाली है ना, उसको पकड़ के मसल देते हैं, रेंज निकल जाएगी उसकी खटाक से। कैसे निकलेगी, अभी स्टेप बाय स्टेप मेथड से निकाल देता हूं। मैंने पकड़ लिया सीकेंट स्क्वायर एक्स को, किसको पकड़ लिया, इस नाचीज को पकड़ लिया। तो ये जो नाचीज है सीकेंट स्क्वायर एक्स की भला रेंज क्या होगी, सीकेंट एक्स की तो जानते हो ना आप लोग, सीकेंट एक्स की रेंज होती है माइनस इंफिनिटी से माइनस 1,
यूनियन वन से इन्फिनिटी, ठीक है। जब आप सीकेंट एक्स की ये वाली जो वैल्यूज है इनका स्क्वायर करोगे ना, इनका स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा वन से इन्फिनिटी। तो सीकेंट स्क्वायर एक्स की रेंज हो गई वन से इन्फिनिटी। उसमें अगर आप पांच जोड़ देते हो तो फाइव प्लस सीकेंट स्क्वायर एक्स की रेंज हो गई सिक्स से इन्फिनिटी। वन में पांच जोड़ा छह हो गया, इन्फिनिटी में पांच जोड़ा तो इन्फिनिटी ही रहता है। एक समंदर में पांच बूंद पानी डाल भी दोगे तो समंदर ही रहेगा। तो इन्फिनिटी में अगर पांच जोड़ दोगे तो इन्फिनिटी ही रहेगी। सीकेंट स्क्वायर प्लस फाइव, इसकी रेंज मिल चुकी है सिक्स से इन्फिनिटी, ठीक है। सीकेंट स्क्वायर प्लस फाइव इसकी रेंज मिल चुकी है सिक्स से इन्फिनिटी। अब इसका रेसिप्रोकल करके देखते हैं, वन अपॉन सीकेंट स्क्वायर प्लस फाइव देखा, इसका रेसिप्रोकल किया तो इस ब्रैकेट की हर वैल्यू का रेसिप्रोकल हो जाएगा। इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल हो जाएगा जीरो, सिक्स का रेसिप्रोकल हो जाएगा वन बाई सिक्स, ठीक है। सिक्स का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, वन बाई सिक्स। अच्छा, ब्रैकेट यहाँ पे ये वाली लगेगी, करेक्ट है जी। अब इसको क्या किया, सेवन से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर आप इसको सेवन से मल्टीप्लाई करोगे तो सेवन से जीरो को मल्टीप्लाई करोगे जीरो रहेगी, और वन बाई सिक्स को सेवन से मल्टीप्लाई करोगे तो सेवन बाई सिक्स हो जाएगा, ठीक है। इसके आगे देखिए माइनस साइन अगर आप लगाओगे, माइनस सेवन अपॉन सेकेंड स्क्वायर प्लस फाइव का अगर आप रेंज देखोगे तो माइनस लगाओगे तो माइनस सेवन बाय सिक्स से जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस सेवन बाय सिक्स से जीरो। और अगर टू जोड़ोगे इसके अंदर, अगर आप टू जोड़ दोगे, टू ऐड कर देंगे इसके अंदर, अगर अपन टू ऐड कर देंगे तो क्या होगा, इसके अंदर अगर अपन टू ऐड कर देंगे, टू इसके अंदर ऐड कर देंगे तो हो जाएगा फाइव बाय सिक्स, और जीरो में टू ऐड कर देंगे तो कितना हो गया, टू हो गया। तो आप देखिए वाई जो हमारा है, वाई की रेंज में निकाल चुका हूँ, वाई की रेंज में निकाल चुका हूँ, ये मेरा वाई है। तो वाई की जो रेंज है, वाई की रेंज आ गई है फाइव बाय सिक्स से लेकर के टू। कितनी आ गई है, फाइव बाय सिक्स से लेकर के टू। तो कुल मिला करके टाइप नंबर वन में हमने देखा छोटे छोटे फंक्शन की जो रेंज है उनको तो ऐसे मसल दिया करो, निकाल दिया करो, निकल जाया करो निकाल करके, ठीक है ना। तो छोटे छोटे जो फंक्शंस हैं स्टेप बाय स्टेप तरीके से छोटे छोटे फंक्शंस की रेंज एकदम मस्त तरीके से इंजॉय करते हुए निकाली जा सकती है, करेक्ट है। टाइप नंबर वन आई होप एकदम क्लियर होगा, जिसमें छोटे छोटे फंक्शंस को डील करते हैं स्टेप बाय स्टेप तरीके से, उन छोटे छोटे फंक्शंस की रेंज निकाल लेते हैं। बात करते हैं टाइप नंबर टू की, आइए बात करते हैं टाइप नंबर टू की। टाइप नंबर टू में हम वो वाले फंक्शन देखेंगे जिनमें हमें एक से ज़्यादा वेरी होती हुई टर्म्स दी होंगी, और उनमें हमारा जो इंटेंशन होगा, हमारी जो कोशिश होगी वो ये होगी कि एक से ज़्यादा वेरी होती हुई जो टर्म्स हैं उनको ट्राई करें कि सिंगल वेरी होने वाले टर्म में कन्वर्ट कर लें और फिर आगे सवाल सोल्व करें। जैसे मेरे पास सवाल है कि y इक्वल टू साइन एक्स इंटू कोस एक्स की रेंज बताइएगा, ठीक है ना। y इक्वल टू साइन एक्स इंटू कोस एक्स की रेंज बताइएगा। पहले टाइप नंबर टू का मोटिव देख लेते हैं, कन्वर्ट इंटू सिंगल वेरिएबल टर्म एंड देन प्रोसीड। एक ही वेरिएबल टर्म रखो सवाल में और फिर आगे प्रोसीड करो, रेंज निकालने में आपको मजा आएगा। यहां मेरे पास साइन एक्स और कोस एक्स दो वेरी होने वाली चीजें हैं, दो वेरी होने वाली चीजें ऐड में हो, माइनस में हो, मल्टीप्लाई में हो, डिवाइड में हो, उनका बिहेवियर देखना मुश्किल होता है, एक का देखना तो बड़ा आसान होता है। तो इनको अब एक में कैसे करें कन्वर्ट, अबे तुम सलाह तो दो भाई, कैसे करें इसको कन्वर्ट एक में। इसको एक में देखिए कन्वर्ट कुछ ऐसे करते हैं, मैंने क्या किया, इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई काहे को किया, क्योंकि अपने खास फॉर्मूला जानते हैं 2 sin x cos x का। 2 sin x cos x होता है sin 2x, कितना होता है sin 2x, तो ये लिख दिया मैंने sin 2x, ये लिख दिया मैंने sin 2x, ठीक है। डिवाइड बाय 2 है, डिवाइड बाय क्या है, 2 है, ठीक है। और यहां पे जो sin 2x लिखा हुआ है, मैं आपको बता दूं साइन मसाला की जो रेंज होती है, साइन एक्स ही नहीं साइन टू एक्स की भी जो रेंज होती है वो माइनस वन से वन होती है। साइन टू एक्स की भी जो रेंज होती है वो कितनी होती है, माइनस वन से वन। मैं आपको बता दूं साइन मसाला की जो रेंज है
वो माइनस वन से वन होती है, ठीक है। तो साइन टू एक्स जो है ना, साइन टू एक्स की जो रेंज होगी, साइन टू एक्स की रेंज माइनस वन से वन होगी। साइन टू एक्स की रेंज कितनी होगी? माइनस वन से वन होगी। इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको अगर हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, हाफ साइन टू एक्स की रेंज हो जाएगी माइनस हाफ से लेकर के माइनस हाफ से लेकर के हाफ, करेक्ट है जी। हाफ साइन टू एक्स की रेंज हो जाएगी माइनस हाफ से हाफ, करेक्ट है, वही हमको निकालना था। तो y की रेंज मिल चुकी है। तो अगर एक से ज्यादा वेरिएबल टर्म्स हो, कोशिश करनी है अपने को, थॉट समझ में आया क्या है? थॉट ये है कि कोशिश करनी है, दो वेरी होने वाली टर्म थी, एक जैसे ही बनी खटाक से उत्तर आ गया, खटाक से आंसर आ गया, समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो एक वेरी होने वाली टर्म में कन्वर्ट करें चीजों को, एकदम मजा आएगा रेंज निकालने में फिर, ठीक है जी। चलिए एक और देखते हैं, क्वाड्रेटिक वगैरह भी काफी पूछी जाती हैं रेंज निकालने के लिए। कोई अगर अपन से पूछता है कि जी ये वाला फंक्शन हमारे पास है साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स प्लस वन, इसकी रेंज निकालें जरा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स प्लस वन, निकाल देते हैं जी इसकी रेंज। यहाँ पे देखिए दो वेरी होने वाले टर्म्स हैं, है ना, दो वेरी होने वाले टर्म्स हैं। मैंने अभी बताया दो वेरी होने वाले टर्म्स को सिंगल वेरी होने वाले टर्म में लिखिए, किसमें लिखिए? सिंगल वेरी होने वाले टर्म में लिखिए, और उसके बाद अगर आप सोल्व करेंगे, उसके बाद अगर आप रेंज निकालेंगे तो इजीली निकल जाएगी। तो यहाँ दो वेरी होने वाले टर्म्स हैं, इसको सिंगल वेरी होने वाले टर्म में अगर अपने को कन्वर्ट करना है तो होल स्क्वायर बना के किया जा सकता है। क्वाड्रेटिक्स में बड़ा इंटरेस्टिंग है, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री में क्वाड्रेटिक दे रखी हो तो समझ लेना एकदम मजा आ गया भाई। ट्रिग्नोमेट्री में क्वाड्रेटिक अगर दे रखी है तो क्या होता है, इसका होल स्क्वायर अगर आप बनाओगे, अबे टेंशन तो नहीं है ना, इसका अगर आप होल स्क्वायर बनाओगे तो सिंगल वेरी होने वाले टर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। ये कैसे, आइए देखते हैं। देखिए इसको लिखा साइन एक्स का होल स्क्वायर, ये जो साइन एक्स है ना, इसको लिखा 2 इंटू 1 बाई 2 इंटू साइन एक्स। आप मुझे बताओ साइन एक्स को अगर 2 इंटू 1 बाई 2 इंटू साइन एक्स लिख दूं तो क्या आप मेरा कुछ बिगाड़ पाओगे क्या? आप मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे, क्योंकि मैंने सही लिखा है, 2 और 2 कैंसिल होके बात वही पड़ेगी, ठीक है ना। और ये वाला जो 1 है ना, ये वाला 1, इस 1 को अगर मैं 1 बाई 4 प्लस 3 बाई 4 लिख दूं तो भी तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, क्योंकि 1 बाय 4 प्लस 3 बाय 4 1 होता है, ठीक है। ऐसा लिखने के बाद आप ये वाली क्वांटिटी को थोड़ा ध्यान से देखें, ये वाली क्वांटिटी को थोड़ा ध्यान से देखें, ये क्वांटिटी साइन एक्स प्लस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर है, ये क्वांटिटी साइन एक्स प्लस 1 बाय 2 का क्या है, होल स्क्वायर है, और प्लस में 3 बाय 4 है। आप देख सकते हो ये वाली एक्सप्रेशन ने हमारे सामने घुटने टेक दिए हैं, ये वाली एक्सप्रेशन ने हमारे सामने घुटने टेक दिए हैं। ये वाली जो एक्सप्रेशन है इसमें दो साइन की चीजें थी, लेकिन अब इसको जैसे ही होल स्क्वायर में हमने बदला, यहाँ पे देखिए सिर्फ एक ही साइन एक्स वाली क्वांटिटी है, यहाँ पे एक ही क्वांटिटी है साइन एक्स वाली, एक वेरिएबल टर्म में हमने इसको कन्वर्ट कर लिया, और अब जो है इसकी रेंज निकालना काफी ईजी होगा, है ना। होल स्क्वायर से तो वैसे ही हमको बहुत मोहब्बत है। तो ये जो साइन एक्स प्लस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर है ना, साइन एक्स प्लस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ठीक है ना। होल स्क्वायर वैसे तो भाई तुम जानते ही हो, जीवन जो है वो होल स्क्वायर जैसा होना चाहिए, कभी भी नेगेटिव नहीं बनाए अपने आप को, होल स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होते हैं। तो ये क्वांटिटी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है। तो पूरी क्वांटिटी की बात करें तो पूरी क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 3/4 होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 3/4 होगी। तो y की जो मिनिमम वैल्यू है, मतलब ये 3/4 से छोटी कभी नहीं हो सकती। तो यहाँ पे नोटिस करके देखें कि y की जो मिनिमम वैल्यू है वो 3/4 होगी, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम वैल्यू निकालना बाकी है मेरे दोस्त, मैक्सिमम वैल्यू इसकी निकालना बाकी है। आइए मैक्सिमम वैल्यू भी निकालते हैं। y कि मिनिमम वैल्यू निकाल चुका हूं, ये आई है 3/4, क्योंकि ये वाला जो होल स्क्वायर है इसको देखिए, 0 से छोटा कभी नहीं हो सकता, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और इसमें कुछ 3/4 जुड़ेगा तो 3/4 से ग्रेटर देन इक्वल टू 3/4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो y जो है ना, y को वापस इधर कॉपी कर लेते हैं, साइन एक्स प्लस
वन बाय टू का होल स्क्वायर प्लस 3/4, ठीक है ना। वाई की वैल्यू यहां पे कॉपी कर लेते हैं, साइन एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4। मुझको एक बात बताएं कि y को मैक्सिमम करना है ना, हमें मैक्सिमम करना है, y को मैक्सिमम करना है तो ये पूरी चीज मैक्सिमम होनी चाहिए, है ना। इस पूरी चीज को मैक्सिमम करना है तो इसका हर टुकड़ा मैक्सिमम होना चाहिए। अब हर टुकड़े में 3/4 तो कांस्टेंट है, बच गई है वेरिएबल ये, दिस मस्ट बी मैक्सिमम फॉर y मैक्स। अब ये मैक्सिमम कब होगा, ये मैक्सिमम तब होगा जब साइन एक्स मेरा मैक्सिमम हो। भाई साइन एक्स मैक्सिमम होगा तभी ये मैक्सिमम होगा, और जब ये मेरा मैक्सिमम होगा तभी मेरा ये पूरा मैक्सिमम होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो साइन एक्स मैक्सिमम होता है 1, साइन एक्स मैक्सिमम जब 1 होगा तो 1 प्लस 1/2 3/2 ये पूरा मैक्सिमम हो जाएगा। 3/2 का होल स्क्वायर 9/4 होगा, 9/4 में 3/4 जोड़ेंगे 12/4 आ जाएगा, 12/4 होता है 3। तो y की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आ गई 3। बात समझ में आ रही है। यहां साइन एक्स मैक्सिमम होगा तब ये, फिर ये मैक्सिमम होगा और ओवरऑल मैक्सिमम हो जाएगा, और ओवरऑल साइन एक्स वैल्यू 1 पुट करने पे आ रहा है 3। तो वाई की मिनिमम वैल्यू क्लियर है, मैक्सिमम वैल्यू क्लियर है, दोनों को देखते हुए बोल सकते हैं कि वाई की जो रेंज होगी, वाई की जो रेंज होगी वो 3/4 से 3 होगी। बात समझ में आ रही है, 3/4 से 3 होगी, क्लियर है। तो देखिए क्वाड्रेटिक हो अगर ट्रिग्नोमेट्री की चीजों में, तो क्वाड्रेटिक को इजीली हैंडल किया जा सकता है बाय मेकिंग होल स्क्वायर्स, करेक्ट है जी। तो आई होप आपको टाइप नंबर 2 भी एकदम क्लियर होगा। टाइप नंबर 2 में हमने क्या किया है, टाइप नंबर 2 में हमने ये किया है कि अगर एक से ज्यादा फंक्शन दिए हुए हो ना, तो पहली कोशिश होनी चाहिए कि उसको सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट कर लें, ठीक है ना, सिंगल वेरिंग टर्म में कन्वर्ट कर लें। ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री में ही नहीं, एल्जेब्रिक चीज़ों की रेंज निकालनी हो और भी कई सारी चीज़ों की रेंज निकालनी हो, मतलब कई सारे फॉर्मेट के फंक्शंस की रेंज निकालनी हो, तो ये जो है ना बड़ा लविंग और बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट है, कहीं ना कहीं लग ही जाता है ये। तो देखो बेसिक बातें एकदम याद होनी चाहिए रेंज की, ठीक है ना। तो अब देखिए टाइप नंबर 3 देखते हैं, टाइप नंबर 3 की ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशंस देखते हैं, एकदम धीरे धीरे देखेंगे टाइप नंबर 3 की ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन, क्योंकि बारीकी से समझनी है हमको, ठीक है। टाइप नंबर 3 की ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन में क्या है, अगर मान लो हमारे पास कुछ इस प्रकार की क्वांटिटी हो, ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा, ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा, तो आपको याद करना है अगर a sin थीटा प्लस b cos थीटा ऐसी सकल की अगर एक्सप्रेशन है, उसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है ना, मिनिमम वैल्यू वो होती है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर विद माइनस साइन, और जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है प्लस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा ये बहुत ही खूबसूरत एक्सप्रेशन है मैथमेटिक्स की, बहुत खूबसूरत एक्सप्रेशन है ट्रिग्नोमेट्री की। इस एक्सप्रेशन की जो रेंज होती है वो माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेकर के अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तक होती है। इसकी जो रेंज होती है वो माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेकर के प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तक होती है। ये बात अपने को नोटिस करनी है, कितनी होती है माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेकर के प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तक होती है। पहले तो उसको याद करेंगे, अब इसका कारण भी बताता हूं मैं आपको कि ऐसा होता क्यों है, ठीक है। वाई मिनिमम माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, y मैक्सिमम प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो रेंज होगी मिनिमम टू मैक्सिमम। अब ये समझते हैं कि इसकी जो रेंज है ना वो ये कैसे आई, आइए बात कर लेते हैं। इसको मैंने क्या किया, बड़ी स्टाइलिश एक्सप्रेशन है ना, इसको एक बड़ा यूनिक तरीके से डील करते हैं।
और आपको ये क्या कर रहा हूं इसकी रेंज में जो प्रूफ कर रहा हूं ये मेथड मालूम होना चाहिए। ये एक्सप्रेशन ट्रिगोनोमेट्री में और इंटीग्रेशन में भी बहुत काम आती है, वैसे तो पूरे मैथमेटिक्स में ही काम आती है, इसका जब 12th क्लास में इंटीग्रेशन करते हैं वहां पे भी इस प्रोसीजर की जरूरत पड़ती है, तो इस प्रोसीजर का भी मालूम होना जरूरी है और ये जो फॉर्मूला बने हैं इनका भी मालूम होना जरूरी है, याद हो जाने चाहिए। ठीक है, तो ये वाली जो एक्सप्रेशन है ए साइन थीटा, अब ध्यान से देख लो, ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा, ठीक है, ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा, मैंने इसमें क्या किया, डिवाइड कर दिया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, डिवाइड कर दिया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, और ऐसे सूखा डिवाइड तो कर नहीं सकते, मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। एक नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दो, उसी नंबर से डिवाइड कर दो, करना अलाउड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या किया, ये वाली जो क्वांटिटी है इस क्वांटिटी को मान लिया कोस एक्स, क्या मान लिया, इसको कोस एक्स मान लिया, इसको कोस एक्स मान लिया, तो इस क्वांटिटी कोस एक्स से अगर आप साइन एक्स निकालोगे ना, अगर यहां कोस एक्स से साइन एक्स निकालोगे तो वो आ जाएगा बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो कहने का मतलब ये हुआ बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये ऑटोमेटिकली साइन एक्स आ जाएगा। ठीक है, इसको मैंने माना था कोस एक्स, इसको मैंने माना था कोस एक्स और ये अपने आप आया है साइन एक्स, ये मैंने साइन एक्स माना नहीं इसको, मैंने तो इसको कोस एक्स माना था, इसको कोस एक्स मान के साइन एक्स निकाल करके देखा तब जाके ये मिला मुझको, तो इसको साइन एक्स का नाम दे देंगे, तो इसको साइन एक्स का नाम दे देंगे, तो जो मेरा वाई है ना, वाई वाई हुआ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ये क्या हुआ कोस एक्स, कोस एक्स इंटू साइन थीटा, कोस एक्स इंटू साइन थीटा प्लस ये क्या हुआ साइन एक्स, साइन एक्स इंटू कोस थीटा, साइन एक्स इंटू कोस थीटा। ठीक है, तो जो वाई है ना वाई, वाई को लिख सकते हैं अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू कोस एक्स साइन थीटा प्लस साइन एक्स कोस थीटा को देखते ही तो एकदम भन्नाट दिमाग के सारे कीटाणु जो हैं हलचल मचा देने चाहिए कि ये वाली जो क्वांटिटी है ये साइन एक्स प्लस थीटा है, कितना है साइन एक्स प्लस थीटा। ठीक है, अब देख लीजिए वाई जो ये तामझाम यहां पे लिखा हुआ था इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया इस शक्ल में, ठीक है, वाई को कन्वर्ट कर दिया इस शक्ल में, और ये वाली शक्ल जो है इसको आप ध्यान से देख के बोलेंगे, यहां देखिए इसके बाद यहां मैं कर रहा हूं, इसको आप ध्यान से देखिए बोलेंगे, बोलेंगे साइन मसाला जो है ना, साइन मसाला है ना, साइन मसाला की अगर अपन बात करें तो साइन मसाला की अगर बात करें, साइन मसाला की बात करें तो साइन मसाला की जो रेंज होती है वो माइनस वन से वन होती है, पूरी पृथ्वी पूरा आसमान सारा आकाश गंगा पूरी गैलेक्सी जानती है कि साइन मसाला की जो रेंज होती है वो माइनस वन से वन होती है। ठीक है, साइन एक्स प्लस थीटा की रेंज कितनी होगी माइनस वन से वन होगी, करेक्ट है ना। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, तो यहां पे हर वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, हर वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। अपने को इसी की तो रेंज निकालनी थी, यही तो है वो वाई, यही तो है वो वाई जिसकी रेंज निकालनी थी, तो ये जो वाई है इसकी रेंज निकल गई है मेरे दोस्तों माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेकर के अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अपन ने रेंज निकाल दी, भाई ने तुम्हारी रेंज निकाल दी है कि जो वाई होगा वो माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेकर के प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, और वही तो बोला था मैंने कि वाई जो होगा वो माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेकर के प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, करेक्ट है जी। तो ऐसी शक्ल की कोई एक्सप्रेशन हो उसकी जो रेंज है वो क्लियर होनी चाहिए, माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेकर के
प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एकदम मस्त एक्सप्रेशन है ये, बहुत काम की है। कैसे रेंज निकाली मालूम होना चाहिए, क्या रेंज निकाली मालूम होना चाहिए। समझ में आ रही कि नहीं आ रही भन्नाट। एक सवाल देखिए जरा, मुझे बताएं इस फॉर्मूला का अप्लाई करके देखते हैं। मैं अगर आपसे पूछूं कि मुझको y इक्वल टू 2 साइन थीटा प्लस 3 कोस थीटा की रेंज बता दें, y इक्वल टू 2 साइन थीटा प्लस 3 कोस थीटा की रेंज बता दें, तो तुम बोलोगे कि y की रेंज हो जाएगी माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेकर के प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो y की जो रेंज है वो हो जाएगी माइनस 2 का स्क्वायर 4 है ना, 4 प्लस 9 हो गया 13, माइनस 13 से प्लस 13 कितनी हो जाएगी, माइनस 13 से प्लस 13। करेक्ट है जी, एकदम बहुत ही मस्त। अब जो है कॉन्सेप्ट बिल्कुल यही है। एक सवाल मैं तुमको होमवर्क दे रहा हूं, देखते हैं कितने लोग उसको कमेंट बॉक्स में सोल्व करके कमेंट करते हैं। ठीक है ना, मजा आ जाएगा अगर इसको सोल्व कर देंगे तो। फाइंड द रेंज ऑफ y इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस 2x प्लस कोस 2x माइनस 1 प्लस कोस 2x प्लस 7। ठीक है ना, हाँ, और प्लस 3 कोस 2x। ठीक है, y इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 कोस 2x प्लस 7। इसकी रेंज निकालें ये मैं तुमको सेल्फ अटेम्प्ट के लिए दे रहा हूं। और देखिए इसका कमेंट बॉक्स में इस सवाल का आंसर करना बहुत जरूरी है। मैं स्पेशली देखूंगा कि तुम लोगों ने रेंज का वीडियो कितना अच्छे से देखा है, और ये वाला जो सवाल है इसकी रेंज तुमसे निकली कि नहीं निकली, तुम दिमाग लगा पाए कि नहीं लगा पाए। हिंट दे देता हूं, इसकी जो शकल है इसकी शकल को कोशिश करना है इस जैसी बना दो, है ना, कैसी बना दो, इस जैसी बना दो, ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा जैसी बना दो। ऐसी शकल बन गई तो एकदम मजा आ जाएगा, फॉर्मूला सीधा लगाओगे रेंज निकल जाएगी। करेक्ट है, ये खुद करना है। ठीक है जी, तीनों टाइप आई होप एकदम क्लियर होंगी। तीनों टाइप अगर आपकी क्लियर है तो टाइप नंबर 4, नेक्स्ट टाइप के सवालों की रेंज, नेक्स्ट टाइप के सवालों की रेंज। अब की बार बड़े स्टैंडर्ड फॉर्मेट के सवाल है, ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोट स्क्वायर थीटा की रेंज बताएं। y इक्वल टू ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोट स्क्वायर थीटा की रेंज बताएं। यहां पे a और b जो है ये गिवन है पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स हैं। a और b क्या है, पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स हैं। y इक्वल टू ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोट स्क्वायर थीटा की रेंज बतानी है। मैं तो चाहूंगा कि आप इस सेशन को पॉज करें, सेशन को पॉज करके आप इसकी रेंज निकालें, जो आपका आंसर आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। नहीं आ रहा सेशन को देखें, देखने के बाद मुझे बताएं आपको समझ आया या नहीं आया। ठीक है, आइए जरा निकालते हैं इसकी रेंज। मैंने आपको बताया था कि अगर दो वेरी होने वाली चीजें हो ना तो उनको होल स्क्वायर से कई बार हैंडल कर लिया जाता है। ठीक है, अगर स्मार्ट चीजें हो तो। ठीक है, तो मैंने इसको क्या लिख दिया, इसको ऐसे लिख दिया 2 टेन स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोट स्क्वायर थीटा माइनस 2ab प्लस 2ab माइनस 2ab प्लस 2ab कर दिया मैंने। क्या कर दिया, माइनस 2ab प्लस 2ab। अब ये चीज देखिए आप, ये वाले जो क्वांटिटी है ना, ये मस्त क्वांटिटी है एकदम, ये होल स्क्वायर है, ये खूबसूरत चीज का होल स्क्वायर है। किस खूबसूरत चीज का होल स्क्वायर है, ये है a tan थीटा माइनस b cot थीटा का होल स्क्वायर। ये किसका होल स्क्वायर है, a tan थीटा माइनस b cot थीटा का होल स्क्वायर। ओपन करके देखोगे तो इसका स्क्वायर ये, इसका स्क्वायर ये, माइनस टू ए टेन थीटा बी कोट थीटा करोगे
कोट थीटा टेन थीटा कट करके माइनस टू ए बी यहां पे आ जाएगा, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के समझ में आ गया कि ये इस चीज का होल स्क्वायर है, और प्लस में लिखा है 2ab, प्लस में कितना लिखा है 2ab, और पूरी दुनिया जानती है, पूरी गैलेक्सी जानती है कि ये जो होल स्क्वायर होते हैं ना, ये बड़े नरम दिल के होते हैं, ठीक है ना, ये बड़े मस्त होते हैं, ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होते हैं। क्या होते हैं? ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो भैया जी, अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होंगे तो पूरी चीज को देखें तो वो क्या होगी? ग्रेटर देन इक्वल टू टू ए बी होगी। अगर आप इस पूरी चीज को देखेंगे ना, तो वो क्या होगी? ग्रेटर देन इक्वल टू टू ए बी होगी, 2ab या उससे बड़ी होगी। अरे भाई सीधी बात है ना, 2ab में जीरो जोड़ोगे तो 2ab बनेगा, 2ab में जीरो से बड़ा जोड़ोगे तो 2ab से बड़ा हो जाएगा। सो सिंपल, तुम्हारे भाई की बात है, सो सिंपल, ठीक है। तो y जो है ना, y की जो रेंज होगी वो 2ab या उससे बड़ी होगी, ठीक है, 2ab या उससे बड़ी, कहां तक? इंफिनिटी तक। सीधी सी बात है, 2ab या उससे बड़ी, निकल गई रेंज। ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा कोमा ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोट स्क्वायर थीटा की रेंज 2ab से इन्फिनिटी होती है। अब मैं तो ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन के लिए सीधी याद कर लेता हूँ। जो लोग जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको मैं सलाह देता हूँ कि इस फंक्शन की रेंज आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हो, 2ab से इन्फिनिटी, ठीक है ना। आप इसकी जो रेंज है वो याद कर सकते हो, सीधा आप इसको एज अ फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, करेक्ट है जी। चलिए जरा एक और सवाल दे रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इस फंक्शन की रेंज बताएं। मुझे आप ए स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कोसेकेंट स्क्वायर एक्स की रेंज बताएं। ए और बी जो है वो पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स हैं। ए और बी क्या है? पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स। सेशन को पॉज करें, स्ट्रगल करें, सवाल ट्राई करके जो भी इसकी रेंज निकले कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर इसको सोल्व कर दिया तो मैं मान जाऊंगा तुम अन्नाट हो, ठीक है। देखते हैं कौन सोल्व करता है इसको, और सोल्व ना हो तो टेंशन देने का, ठीक है। और इस सवाल का सोल्यूशन देखें और सीखें रेंज इसकी कैसे निकाली जाती है। चलिए मैं भी इसका सोल्यूशन बता देता हूं। y लिखा हुआ है ए स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कोसेकेंट स्क्वायर एक्स। मैंने जो सीकेंट स्क्वायर एक्स है इसको 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स लिख दिया, और जो कोसेक स्क्वायर एक्स है ना इसको 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स लिख दिया, ठीक है। जो सीकेंट स्क्वायर एक्स है उसको 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स लिख दिया, और जो कोसेक स्क्वायर एक्स है इसको 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स लिख दिया, ठीक है। ए स्क्वायर इंटू 1 हो गया ए स्क्वायर, बी स्क्वायर इंटू 1 हो गया बी स्क्वायर, प्लस ए स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर एक्स, बी स्क्वायर इंटू कोट स्क्वायर एक्स, बी स्क्वायर इंटू कोट स्क्वायर एक्स, ठीक है। देख लीजिए ध्यान से, ये वाला सवाल दिया था और इस सवाल में मैंने पुराने वाला सवाल बना दिया, ए स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कोट स्क्वायर एक्स बना दिया। क्या बना दिया? यहां पे देखिए ये वाला सवाल बन गया। इसकी रेंज तो अभी निकाली थी अपन ने, अभी निकाली थी ना इसकी रेंज। तो कुल मिलाकर के बात सिंपल सी है कि इसकी रेंज निकालना जानते हैं। मैंने सीकेंट स्क्वायर को 1 प्लस टेन स्क्वायर, कोसेकेंट स्क्वायर को 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स लिख करके ए स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कोट स्क्वायर एक्स बना दिया है सवाल में। और अभी हमने देखा था कि ये जो क्वांटिटी है ये क्वांटिटी होल स्क्वायर बन जाती है। किसका होल स्क्वायर बन जाती है? अभी देखा था a tan x माइनस b cot x का होल स्क्वायर
प्लस टू ए बी ऐसे होल स्क्वायर की फॉर्म में बन जाती है ए टेन एक्स माइनस बी कोट स्क्वायर एक्स प्लस टू ए बी। ये जो क्वांटिटी है ये ऐसी बन जाती है, ऐसा हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में यहां पे देखा था। देखिए ये जो क्वांटिटी है, ये वाली जो क्वांटिटी थी ना, ये वाली क्वांटिटी, ये कितनी बन गई थी, ए टेन थीटा माइनस बी कोट थीटा का होल स्क्वायर प्लस टू ए बी बन गई थी। इसी बात का प्रयोग किया मैंने, इस क्वांटिटी को लिख दिया ए टेन एक्स माइनस बी कोट एक्स का होल स्क्वायर प्लस टू ए बी। अबे ठीक है ना, बिल्कुल ओके। सो यहां पे देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी को लिख लिया, आगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी को लिख लिया आगे, और इसको धकेल दिया पीछे की तरफ, इसको धकेल दिया पीछे की तरफ, ठीक है। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी है ना, थोड़ा पीछे से देखते हैं, मजा आएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ये वाली क्वांटिटी जो है ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। ये क्या है, ये वाली क्वांटिटी ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, और आगे वाली क्वांटिटी यों की यों लिख देता हूं, आगे वाली क्वांटिटी यों की यों लिख देता हूं, ठीक है। अब इस क्वांटिटी को देख के कुछ कुछ हुआ, इस क्वांटिटी को देख के कुछ कुछ होता है ना, क्या होता है भाई, ये वाली क्वांटिटी देख के मन करता है कि बोला जाए दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। कुछ कुछ होता है, क्या होता है कि होल स्क्वायर है, नेगेटिव करने का नहीं, इसको होने का नहीं, नेगेटिव नहीं होगी, ये होगी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो में जोड़ोगे तो ये जो पूरी बात है ना, ये वाली जो पूरी चीज है ना, ये वाली पूरी चीज हो जाएगी ग्रेटर देन इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये चीज जीरो से बड़ी है, इसमें जोड़ दोगे a प्लस बी होल स्क्वायर तो ये a प्लस बी के होल स्क्वायर से बड़ी हो जाएगी। तो जो y हमारा है ना, y हमारा है वो a प्लस बी के होल स्क्वायर से, a प्लस बी के होल स्क्वायर से बड़ा हो जाएगा, बराबर भी हो सकता है। तो y की जो रेंज है वो a प्लस बी के होल स्क्वायर से इंफिनिटी होगी, ठीक है। तो अभी जो फंक्शन मैंने लिखा था ए स्क्वायर सेकेंट स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कोसेकेंट स्क्वायर एक्स, ये जो फंक्शन है ना ए स्क्वायर सेकेंट स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कोसेकेंट स्क्वायर एक्स, इसकी जो रेंज होगी ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर से लेकर के इंफिनिटी होगी। ए स्क्वायर सेकेंट स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कोसेकेंट स्क्वायर एक्स, इसकी जो रेंज होगी ये प्लस बी के होल स्क्वायर से इन्फिनिटी होगी। मैं तो भाई ये भी याद कर लेता हूं जेई वगैरह में डायरेक्ट इस्तेमाल करने के लिए, जेई के स्टूडेंट्स को सलाह है, याद कर सकते हैं जेईई के लिए, ना भी रखे को टेंशन नहीं, मेथड तो बताई दी आपको। एक और आखिरी सवाल होमवर्क में, रेंज का लेक्चर मस्त हो जाएगा, एक और सवाल आप होमवर्क में लिख लें, फाइंड द रेंज ऑफ दो पार्ट हैं इसके, फाइंड द रेंज ऑफ 4 sin² x + 9 cosec² x और एक है 4 cosec² x + 9 sin² x। आप इन दोनों फंक्शंस की रेंज निकालिए, दोनों फंक्शंस की रेंज निकाल करके कमेंट कीजिए, दोनों फंक्शंस की रेंज निकाल के कमेंट कीजिए। अगर किसी ने आज के दिन में अगर सही कमेंट कर दिया, आज रात 12 बजे तक अगर सही कमेंट आ गया तो उसका नेम मैं लेक्चर में अनाउंस करूंगा, उसका जो नेम है मैं नेक्स्ट लेक्चर में अनाउंस करूंगा, नेम मैं अनाउंस करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, अगर किसी ने इन दोनों सवालों का सही आंसर दे दिया तो, दोनों सवालों का सही आंसर दे दिया तो। और सुनो जरा, तुम लोग हो सकता है कहीं से चीटिंग वगैरह ना करो, तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, यहां पे 14 लिख देता हूं, है ना, यहां लिख देता हूं 14, यस। अब कीजिए जरा, इसका आंसर लिखिएगा और जो नेम है वो मैं आपका लेक्चर में अनाउंस करूंगा, अगर आज की डेट में किसी ने इसका सही कमेंट कर दिया तो। ये भी होमवर्क है।
तो दोस्तों रेंज के लेक्चर में इतना ही, रेंज के लेक्चर में इतना ही। आई होप आपको ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की रेंज समझ में आई होगी। मैंने कोशिश की है रेंज के बारे में छोटी छोटी मगर मोटी बातें आपको सिखाने की। आई होप मैं सक्षम रहा हूँ आपको सिखाने में। जाते हैं भाई, आना है वापस तो जाना पड़ता है। बाय बाय, टेक केयर। ट्रिगोनोमेट्री के सारे फॉर्मूला याद कर लीजिए एकदम भन्नाट तरीके से, जितने शुरुआत से सिखाए हैं अब तक सारे लेक्चर्स के सारे कॉन्सेप्ट्स आपको मालूम होने चाहिए, है ना। सारे लेक्चर्स के सारे कॉन्सेप्ट्स मालूम है, ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूला अगर आपको मालूम है तो एकदम मजा आ जाएगा, ट्रिगोनोमेट्री आपकी मुट्ठी में आनी शुरू हो जाएगी। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, दुआओं में याद रखना। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।